दोस्त है, ये भी एक छपरी दोस्त है मेरा। ये इसके हाथों में हवा भर रखी है, पता नहीं कौन सा वो लेता है। चलो दोस्तों, हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं अपने पार्क में। आ जाना वे। बहुत अच्छा पार्क है हमारा। व्लॉगिंग हो रखी है भाई। देखो दोस्तों, ये जाएगा कल। इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, वो पतला सा सुकड़ा सा। जो किसके पापा ने जमीन रोक कर दो दोस्तों, स्किप कर दिए ना। रुक जाए वीडियो का, इसकी शक्ल नहीं आ रही। आ रही है नहीं, 2x पे नहीं आ रही। कम करना, जूम आउट कर। 1x सही है, 1/2 सही है। पूरा कम कर दे, जैसे नॉर्मल वैसे ही है। अब स्टार्ट कर, क्या ये पूरा तो। अरे बोल बोल, वो स्किप कर देंगे। आप सबको कहानी सुनाने वाला जो एक कबाड़ी वाली कहानी है। मैं रास्ते से घर आ रहा था, मैंने एक कबाड़ी वाला देखा जो कबाड़ी बीन रहा था। उसके कबाड़ी में एक बोतल कम पड़ गई, जिसका रहस्य हम आज उजागर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और एक कबाड़ी वाले की भी कहानी सुनिए। उस कबाड़ी वाले का नाम पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, तो आप कुछ भी सोच लीजिए। उसका नाम वो कबाड़ी वाला बहुत मेहनती था। उस कबाड़ी वाले के पास, वो बहुत गरीब था, उसके पास बस एक ही आईफोन था और एक ही कार थी बस। वो 2400 घंटे भीख मांगता था। एक बार भीख मांगते मांगते उसे एक सोने की चेन मिली, जो उसने किसी और को दान कर दी। फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। क्या बोलूँगा, यहीं से कहानी दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट होती है, जहाँ पे उसी का दूसरा रूप बहुत ज्यादा अमीर होता है, जिसका नाम प्रिंस राजपूत। बोल बोल। जिसका नाम भी पब्लिक नहीं है दोस्तों। अरे यार, क्या कर रहे हो। उस दूसरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अमीरी थी, लोगों के पास बहुत पैसा था, लोग अपने पैसे फूकते थे। फूकते तो थे भी नहीं। और कुछ दुष्ट नालायक प्रेत आत्माएं ये ऊपर भिनभिना रही है। ये देखो, देखिए दोस्तों, मेरे साथ बहुत ये आत्माओं से मुझे छुटकारा चाहिए दोस्तों। ये लो सर, देख सकते हो दोस्तों, मैं पता नहीं कौन सी कहानी सुनाऊं। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत दूसरे पार्ट से शुरू होती है कहानी, जहाँ पे दिखाया जाता है एक मूवी को। दो चार बच्चे होते हैं जो पार्क में क्या कर रहे होते हैं, पार्क में वीडियो बना रहे होते हैं। जैसे कि तुम्हारी एक बच्चा बहुत अच्छा होता है, 3 बच्चे बहुत बेकार होते हैं। एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है और बाकी 3 बस उसका मुंह देखते हैं और उसे कोसते हैं, उसके पीछे आग लगी रहती है। हाँ दोस्तों, एक के पीछे आग लगी रहती है हमेशा। और एक बच्चा उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए दोस्तों। इसको देख रहे हो, इसकी नज़र सीधा अमीन पे है, देख सकते हो। और एक पौआ सा है दोस्तों, वो हमारे साथ कल नहीं रहेगा। क्या मैं क्या कर रहा है। गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये घास है जो कि अभी घास में बहुत ज्यादा प्रोटीन है दोस्तों। बॉडी बिल्डर फालतू में आपका पैसा लेते हैं दोस्तों। गाय की तरह घास चाहो जो ये दोस्तों आज का कबाड़ी वाले की बात बता रहा था, वो यही है। इस सुहाने मौसम में पेड़ के नीचे मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैं इतना दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल जल्दी।
मेरा मन नहीं लग रहा यार, कुछ भी बोलता रहा तू। जो एक कबाड़ी वाले की बात बता रहा था वो यही है एक्चुअली। कितने मिनट की वीडियो होगी? 4:30। कुछ नहीं बोला मैंने, मैं बोल जल्दी 5 होने वाली है। ठीक है चलिए, आज हम एक कहानी सुनाएंगे आपको। स्कूल की कहानी सुना दे कोई, जब तेरी लड़ाई हुई थी। हाँ दोस्तों, मेरे घर के छत पे एक बार एलियन आए थे। पता नहीं, मैंने तो कोई डीजे भी नहीं बजाया था, फिर भी पता नहीं कैसे आ गए। उसके बाद मैंने एलियंस के साथ दोस्ती कर ली। अब मैं उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो मुझे बदले में कुछ नहीं देते, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। फिर मेरे एलियन के साथ दोस्ती हो गई। एलियनों का नाम क्या रखा? एक का नाम था हुम्बा, एक का नाम था डुम्बा, और बाकी सब वो स्टाफ था उनका, वर्कर थे। तो मैंने उनसे दोस्ती नहीं की, बस जो मेन मेन लीडर थे उनसे दोस्ती की मैंने। फिर मैंने उनसे उनके स्पेसशिप का रिमोटवा छीन लिया, उसे एक कबाड़ी की दुकान पे बेच दिया मैंने। उसके बदले मुझे 50 रुपये मिले, वो मैंने अपने दोस्त को उधार दिए। आज वो 5 साल हो गए, उसने 1 रुपया नहीं दिया मुझे। वो देखो बगल में बैठा उधर। ये देखो वो बैठे। अबे क्या कर दिया तूने? नहीं नहीं कुछ नहीं करा। चालू है वीडियो? और बंद थोड़ी है। रहने में ही लगे रहने उसे। अरे बोलो यार। उसके बाद ये पता नहीं कौन सा प्राणी है जो कैमरा हिला रहा है इधर उधर, शांति से वीडियो भी नहीं बना देते। अरे बना लो, मैं कहा क्या करता हूँ पता नहीं, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये क्या है, चुप बैठ के देखो। आज का दिन बहुत सुहाना है, हरे हरे पेड़ है यहाँ पे, 5 पेड़ है जिनकी 2 टहनियाँ हैं, 4 घास है। हाँ दोस्तों, ये परसों की बात है, मेरा दोस्त क्रिकेट खेल रहा था, फील्डिंग पे लगा हुआ था। वो धीरे धीरे बॉल की तरफ बढ़ा, बॉल उसकी तरफ बढ़ा, बीच में पता नहीं कहाँ से सांप आ गया, फिर चला गया। फिर हम सांप के पीछे भागे, सांप हमारे पीछे भागा, दोनों में रेस लग रही थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी। काट दियो काट दियो, ठीक है। हाँ दोस्तों, अबे चुप रहे। देखना ये बच्चे, ये दोस्तों, ये मेरे, इनके लिए नया वर्ड ढूंढो और कमेंट में लिखो, ये पता नहीं कौन से दुनिया से आए हैं, सारे एलियन हैं ये सब। ये एलियन के बच्चे मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, ये रूप बदल के रह रहे हैं दुनिया में। अबे मत कर यार, तू क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों, मुझ पे हमला हुआ है पत्थर से, मैं पता नहीं क्यों कर। कितना मिनट का वीडियो हुआ? 11 मिनट हो गया। अरे नहीं नहीं, अरे अभी नहीं, 8:30 हुआ, 8:30। अरे बोलो दोस्तों, इस पार्क में, ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा पार्क है, ये दिखाऊं। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे एक तालाब, 4 तालाब हैं और 2 ग्राउंड है बड़े बड़े, एक क्रिकेट का है, एक फुटबॉल का ग्राउंड है। एक दिन की बात है, यहाँ पे ताजी सांस मिलती है। ये बता, इसके मुंह पर बॉल, यहाँ पे कभी कभार बॉल भी मिल जाती है हमें, और मैं जब भी आता हूँ पार्क तो बॉल उठा लेता हूँ, मुझे मिलती है। जब भी मेरे दोस्त आते हैं तो उनकी बॉल खो जाती है, सारे दोस्त पनौती है मेरे दोस्तों, बस मैं ही एक बीच में फंसा हुआ हूँ इनके। ये और बताओ, एक दिन कैच लपकते समय इसकी नाक पर जो पड़ी थी? हाँ, मैंने दोस्तों PCM लिया 11th में मेरे दोस्त के कहने पे। अरे ये तो बताओ, इसकी नाक पर जो पड़ी थी बॉल उस दिन? मेरे दोस्त मेरे फोर्स कर रहे हैं कि तू PCM ले ले।
दोस्तों मेरे साथ अन्याय हो रहा है। खुजली हो रही है दोस्तों इनके बीच में। ये देखो इनको बीटेक से का कोई दिखाओ 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 अरे दिखाओ दिखाओ नहीं 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 पीछे लगे देखो पंडियो पीछे में बताओ कमेंट में दोस्तों पीछे में होता क्या है। वैसे ऐसे ही खौफ बना रखा है पीछे का। अबे क्या हम यो पे नजर डाल रहा है दोस्तों मैं बहुत सही बात इसके चेहरे से व्यूज नहीं आ रहे। क्या बोलू अरे बताऊ क्या बोलू।